नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। गोपालगंज मामले पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव काफ़ी आग बबूला हो गए। गुस्से में उन्होंने एक चुनौती दे दी, इस चुनौती दिया है उन्होंने सरकार को, ये चुनौती दिया है उन्होंने आरोपी जो जदयू के नेता हैं उनको। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो उन्हें रोक करके दिखाएं, लेकिन वो तब भी मानेंगे जब स्थिति थोड़ी सुधर जाती है, यानी कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो सरकार को भी इस स्थिति में ला देंगे कि उन्हें मजबूर हो जाना पड़ेगा उन्हें झुकने के लिए। दरअसल जिस तरीके से स्थिति बदल रही है और गोपालगंज ट्रिपर मामला अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे नेताओं के साथ, अपने विधायकों के साथ वो गोपालगंज रुक करने वाले थे, लेकिन वहाँ सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए, लॉकडाउन की स्थिति में बीमारी के संक्रमण को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया, जिसके बाद आग बबूला हुए तेज प्रताप यादव ने कई सारे बातें कह दी। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश को भी आरोपी बताया, हत्यारा बताया और कहा कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सीएम के इशारों पर हो रहा है। स्थिति यहाँ ऐसी हो गई है कि अब खुद मुख्यमंत्री ही लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति है और उन्हें हिम्मत है तो उन्हें रोक के दिखाएं, वो सरकार को बैकफुट पर भी लाकर दिखाएंगे। क्या कुछ कहा इस दौरान तेज प्रताप यादव ने, खुद सुनिए। अगर अभी नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं तो जो अपराधी छवि के जो लोग हैं वो तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी बगल में बैठ करके ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। वो गुंडा जो है वहाँ बैठा हुआ गोपालगंज में, तो गुंडा का और सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया होगा नीतीश कुमार जी के कहने पर। तो नीतीश कुमार जी से दो चीज़ मांग करने का हम काम करते हैं। नीतीश कुमार जी या तो हम लोगों को जाने दें या नहीं तो गुंडों को गिरफ्तार करें, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी खुद हत्यारे हैं, सीताराम सिंह का हत्या किए थे उन्होंने खुद, वो उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी आज के डेट में डॉन बने हुए हैं और ये डॉन है, इन्हीं के संरक्षण में छुटपुटिया जो गुंडे हैं वो आज से नहीं, हम लोग गोपालगंज हमारा गांव है, हमारा जन्म स्थली है पिताजी का माताजी का, तो वहाँ पे हम लोगों ने बचपन से देखने का काम किया है कि सतीश पांडे कौन है, अमरिंदर पांडे कौन है, और शुरू से लोग जानते हैं, पूरे लोग वहाँ के लोग दहशत में रहते हैं, लेकिन लालू परिवार दहशत में नहीं रहता। हम ये खुली चुनौती देने का काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को भी चुनौती दे रहे हैं, अमरिंदर पांडे जो गुंडा है उसको भी चुनौती देने का हम काम कर रहे हैं। है माइकल लाल में हिम्मत रोक के दिखा दे, है माइकल लाल में हिम्मत, है माइकल लाल में हिम्मत, है माइकल लाल में हिम्मत, है माइकल लाल में हिम्मत रोक, बोला ना वो रुको, वो बोला ना कि दिल्ली पटना से लेके दिल्ली तक नाप देंगे, तो हम यहाँ से लेके आकाश तक नाप देंगे। जो लेकर के गया है वो कितने से ही है, जिसका हत्या हुआ, जिसके खोपड़ी में लगा है गोली, उसका क्या होगा? जिसके खोपड़ी में जो गोली लगा, पुलिस का कहना है वो अपना काम कर रही है। पुलिस कहाँ काम कर रही है? एक मिनट, कहाँ पुलिस काम कर रही है? कोई काम नहीं कर रही है पुलिस, कोई पुलिस आने की बात नहीं, कहाँ साक्ष्य जुटा रही है? हम लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं। आगे का हमारा स्टैंड यही रहेगा, जारी रहेगा हमारा स्टैंड, जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हमको जल्द से जल्द नीतीश कुमार जी गिरफ्तार करने का काम रोज हो रहा है। इसमें नीतीश कुमार जी ऐसे अपराधियों को अपने काट के लेंगे, इसलिए इतना आवास लिए हुए हैं, आवास लिए हुए हैं। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।